आकाशवाणी जम्मू है बड़े स्वागत पहले मुख मुख समाचारें करने मैं पंकज कोहली इस महीने की सताई तरीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कत्ती लाख शा बद विद्यार्थी पज लाख शिक्षक ते दो लाख अभिभावक हिस्सा लैंग सलाहकार भटनागर ने समूचे जम्मू कश्मीर बैक टू विलेज फोर चले गए नौजवाने कौशल योजना तैयार करने दे कम से तरक्की की समीक्षा की जमू के डिवीजनल कमीशनर होगी आतंकी हमले मारे गए लोग परिवार आलें सीधी सहायता सौंपी दी है सांबा के जिला मैजिस्ट्रेट हो अंतर्राष्ट्रीय बन्ने पर नागरिकों की आओजाई पर बंदश लाई दी तफसील करने श्रुति खजूरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस महीने की स्थायी तरीकी परीक्षा पर चर्चा की छमी कड़ी विद्यार्थियों उ माता पिता के शिक्षकें गब करगन कार्यक्रम नमी दिल्ली ताल के तालकटोरा स्टेडियम च लगो शिक्षा मंत्रालय ने जे इस बरे आले परीक्षा पर चर्चा पंजीकरण पिछले बरे दे मुकाबले दुने शा बद्द्द हो गया राज्य बोर्ड सीबीएसई केन्द्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति और दुए बोर्ड के छात्र शिक्षक शिक्षकें अभिभावकें बड़ी मती गिनती च गरी अपना पंजीकरण करवाया है मंत्रालय ने दस कत्ती लक्ष शा बद विद्यार्थी पंज लाख शा मते शिक्षकें तकरीबन दो लक्ष एदे ए पंजीकरण करवाया है कराया ए हिस्सा लैने आने पंजी नवंबर सवा त्री दिसंबर भी सौ बई तोड़ी बषय पर ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता का सोजा कराया गया प्रधानमंत्री और इस कार्यक्रम च मुल् भर के विद्यार्थियों उन्द अभिभावकें शिक्षकें कलब करते हैं और इस गल पर टकोहद तो तौर पर चर्चा करते हैं जी जी जीवन की उत्सव के तौर पर जीने मनाने इम्तिहाने शां होने तनाव तना किस चाली दूर किया जाता है उपराज्यपाल हलाहकार राजीव राय भटनागर हो सिविल सचिवालय ची उच्च सतह की बैठक है बैक टू विलेज गेट चार तहत ताले गए युवाएं की मन बनाने लिए योजना तैयार करने कमे के कमें की समीक्षा की इन्हें युवाएं की ताल समूचे जम्मू कश्मीर सवा गई है अफसरें संबोधित करते हुए भटनागर होने आज सब्ने सक्टरें जिया उद्योग सैलसफा सेहत सबंधी देखभाल बिजली होने दुए खेला युवाएं के हनरमंद बनाने सिखलाई देने दिए संभावना तलाशने की लोड़ है उ ग्रामीण विकास मैकमें इस ग जोर पाया जो युवाओं की सिकलाई देन एदे ले सैक्टर कने नेड़मा दाल मेल बनाइए कम करा युवाएं कने अपनी मनपसंद रूचि सावे आले क्षेत्र सिखलाई हासिल हो बेहतर रोजगार भी हासिल हो सलाहकार सिखलाई प्रोग्राम की तौले तौले शुरू एजेंसी ते एजेंसियों महकमें भी शामिल करना जरूरी है जोर पाया जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार और डांगरी इलाके आतंकवादी हमले मारे गए परिवारों के पर कल मलाटी की अपनी हमदर्द जाहिर की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हसया मंजूर की सीधी सहायता भी पीड़ित परिवारों की उपलब्ध करवाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो पीड़ित हर एक परिवार जिन्हें अपने परिवार के की मनमहही दिता है ले दस दस लाख रूप की सीधी सहायता देने की घोषणा की डिवकाम और परिवार की केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन पास हर मुमकिन सहायता संभव सहायता देने का भरोसा दुआ रमेश कुमार और सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी का भी दौरा लाया हमले च घायल लोगों की डौल पुछी उन्ने से सेहत ने अधिकारियों की इन घायलों लिए बेहतर इलाज तो सुविधा उपलब्ध करवाने कराने उन् तिमार दारेंगी कु चाली की परेशानी पेश नहीं आवे ए बारे भी खास तौर पर हिदायता जारी कित राजौरी जिले दे डांगरी के डागरी ग्रां चे गए आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों बारे सूह देने पुलिस ने दस लाख रुपए इनाम का ऐलान किए एतवारे संजा की सरहद जिला राजौरी चई की इस वारदात छह जने की मौत हो गई है आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने पुलिस के एक सीनियर अफसर के हवाले ने खबर दी है जो देने की जानकारी गुप्त रखी जाग। तो कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने डांगरी ग्राम पुजी गई है है एनआईए इस मामले की जांच अपने हथ सेहत मेडिकल शिक्षा महकमे के सचिव भूपिन्द्र कुमार और कल स्टेट टीवी फोरम से समुदायिक नुमाइंदगी टीवी प्रतिक्रिया देने लगी थी बैठक की प्रधानता की सेहत सेवा देने निदेशक सबंधी अभियान तहत टीवी की जांच कि अंदन टेस्ट टीबी नोटिफिकेषन दर निक्षय पोषण योजना डीबीटी इस योजना की अमलआवरी हासिल तरक्की की स्थिति पर लौ पद्ते हुए उन्होंने सलाह संभागें की व्यापक जानकारी दी सचिवों केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान तहत तय कि बिहूतरी राष्ट्रीय लक्ष्य सव पे भी सुबंजी तोड़ टीवी उन्मूलन यानि टीबी के खात्मे आ महत्वाकांक्षी लक्ष्य की हासिल करने पूरी चाली बचने बची है तय किए गए निशाने की हासिल करने दौने निदेशालय की लड़ा निर्देश जारी किए ताज टीवी उन्मूलन गतिविधियों चेजी आई जाये नेहरू युवा केंद्र कठुआ पास यूथ क्लबे महिला मंडलें आस त्रै रोजा सिखलाई प्रोग्राम शुरू हुआ ए बख शा इदारे यूथ क्लबे के चालीव बद मैम्बरें त महिला मंडलें जिले के दे, दे बख ब्ल ए हिस्सा लैर करते हैं कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे और युवाएं आखि जो इस त्रै रोजा सिखलाई प्रोग्राम लाह ठोन एद् मुख्य मकसद युवाएं का हनर विकास से उन्द्र बेहतरी करना उ पूरा प्राता विकास करना है। उन्हें उख्या प्रोग्राम नौजवाने की मौका प्रदान कर दें जो अजे कल दिए सब सावे अपने हनर की होर निखारन इस मौके पर बोलते हुए माहिर नरेश गुप्ता और स्वयं रोजगार आई बीमें पर लौ पाई उ इस मौके पर बौकरियों हनर बारे दस रईबाई की पैदावार संबंधी महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू और केन्द्र शासित प्रदेश की निगरान कमेटी की एक बैठक लाइए राष्ट्रीय भोर पालन मखीर सबंधी मिशन की अमलावरी का जायजा लाता कश्मीर के रईबाई सबंधी निदेशकों इस मिशन की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत स्कीम तहत की गई है दस राष्ट्रीय भोर पालन मखीर सबंधी मिशन का मकसद मुल्क भर साइंसी तरीके भोर पालन की बढ़ावा देने ए विकास करना है तंजे मुल्क इस क्रांति आनी जाए ए अमलावरी राष्ट्रीय पोर पालन सबंधी बोर्ड आसिया की जा रही है कमेटी ने इस मौके पर निजी सार्वजनिक इन के प्रस्ताव से सिखलाई प्रोग्रामों की मंजूरी दी पर अठारह करोड़ छहत्तर लख रुपए की लागत आग डु इस मिशन की जम्मू कश्मीर की खरी चाली अमावरी करने पर मता यान जोर पाया उन्हें अधिकारियों को जोर दे जो इस मिशन के निर्धारित लक्ष्य की समयबद्व ढंगे से पूरा पेठा लगातार पंकज कोहली ਸਾਂਭਾ ਦੇ ਐਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸਰਦ ਕਰਨੇ ਲੱਗਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਾਤیاں ਲਕ ਰੈਫਿਊ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਚਲੇਗੀ ਬੜਲੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਫਜ਼ ਰਵਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਰਸਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਲਵਰ ਜਿਕਨੇ ਆਲੇ ਖਲਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਗ ਜੇਕਰ ਅਦੇਸ਼ ਪਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਮਗਰਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਸਤੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੇ ਦੇ देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी मीटिंग्स के दौरान बीएसएफ अथॉरिटीज की तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी उसको देखते हुए हमने ये दो महीने के लिए ऑर्डर किया है जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर के एक किलोमीटर के अंदर तक रात नौ बजे से लेके सुबह छह बजे तक जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और खासतौर पर इस समय बड़ी फॉगी कंडीशन है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है की इस टाइम पे कोई इस तरह की मूवमेंट ना हो जो बी के नजर में ना आ सके और कोई इन्फ्लूटेशन की या कोई और भी सस्पिशियस मूवमेंट विद इन इस तरफ ऑर्डर के जो नहीं हो पाए उसके लिए ये स्टेप लिया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहोरे कल रामबन जिले से चनाब دریا पर प्रतिये नमे से रिया बनाए गए थे 240 फुट वाले बैली पुल दा इस रिश्ते राय उद्घाटन करने दे कनो कानी देसादा ओने सिंचाई स्थाई बुनियादी टांचेलियां परियोजनाएं दा भी शुभारंभ कीता उन्हें ये उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश ते शिव सेतु पुल थामा कीते ਕਮਾਂਡਰ 11 ਸੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੋਸੇ ਬੁਰੇ ਦਸਿਆ ਜੇ 6 ਦਾ ਕੇਸ਼ਾ ਬੱਧ ਪ੍ਰਾਣੇ ਇਸ ਬੈਲੀ ਪੁਲੇ ਦੀ ਪਰਤੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਮਬੰਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਪਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ სამਰਿਕ ਮਤ ਪੈਗੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਲੇ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਕੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਨੇ ਤੌਰ ਚਾੜਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੁਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਬਾਟਿਕਾ ਤੇ ਨਖਤਰਵੰਦਾ ਸੁੰਦਰਬਣੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਚੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨੁਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਈਂ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿੱਤ ਦੱਸਾਂਗੀ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਸਰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਬਾਟਿਕਾ ਚ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਇਗੇਣ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗਰਹਿਂਗੀ 10 ਦਿਨ ਸੁੰਦਰਬਣੀ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਰੇ ਇਸ ਪੈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇ데ਰਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਠਵੰਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਕੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ ਤੇ ਅਰੇ-ਪਰੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਗੀ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਬੀਲਾ ਰਕਵਾਲ ਲੋਰੈਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੇਲਾ 2023 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਤਰੇ ਦਿਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਲਾ 17 ਫਰਵਰੀ ਕੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਕ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2023 ਕੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਰੇਮ ਪੀਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰਾ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੇ ਯਾਤਰੂ ਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪੋਨੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਰਾਂਗੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਸਰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੰਧਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿਖਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ भारत ने श्रीलंका बशार खेडी जा त्रै टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचें की श्रृंखला में कल मुंबई के वानखड़े स्टेडियम से खेडे गे रोमांचक मैच च भारत ने श्रीलंका को दो रंजें हराई द् टॉस जीतिए श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया भारत पास दीपक हुड्डा ने त्रे बालें च कताली रंजें का बेशमती योगदान दाता अक्सर पटेल ने भी गेंदें ची ਤਰੇ ਚੋਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਕਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 31 ਰਨੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 163 ਰਨੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਤੇ ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੈ ਬੀ ਓਵਰ ਇੰਚ 160 ਰਨ ਗੈਪ ਬਣਾਈ ਸਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੇਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਓਵਰ ਇੰਚ 22 ਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚੂਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਅਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ अखीर च खास खास खबर एक बार परत महीने की स्थाई तरी प्रधानमंत्री मोदी हुप्प परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम चती लाख शा विद्यार्थी पंज लाख शिक्षक ते दो लाख अभिभावक हिस्सा लैंगन सलाहकारगर हो समूचे जम्मू कश्मीर बैक टू विलेज गेट चार तहत ताले गए नौजवाने कौशल योजना तैयार करने दे दी दी के कमें की तरक्की की समीक्षा किी जमू के डिवीजनल कमीशनर डांगरी आतंकवादी हमले मारे गोकों के परिवार आलेंगे सींधी सहायता सौंपी है समाप्त